हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। चलिए आज स्टार्ट करते हैं फंक्शन के लेक्चर 17, जिसमें मैं बताऊंगा एक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए किस किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अगर आपको मैं बताऊं तो इससे पहले मैं पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल बता चुका हूँ, इसके टाइप्स, ठीक है, उसके बाद इसके एग्जाम्पल एंड, ठीक है, एंड एंड ठीक है, एंड ग्राफिकल मीनिंग बता चुका हूँ। ठीक है, ग्राफिकल मीनिंग ऑफ एन इक्वेशन, ठीक है, ऑफ एन इक्वेशन। ओके, चलिए आज मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ एक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए किस किस चीज़ का ध्यान मुझे रखना चाहिए। ठीक है, कि इम्पॉर्टेंट इन सॉल्विंग एन इक्वेशन, सबसे पहले हमको देखना चाहिए उसका डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ द इक्वेशन। दैट मीन्स देखिए, कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए वो किस डोमेन में लाइक कर रहा है, उस चीज़ को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होगा। ठीक है, जैसे कि वन मिनट, सॉरी, देखिए डोमेन ऑफ द, इट इज़ द सेट ऑफ द वैल्यूज ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स फॉर विच ईच फंक्शन यूज इन द इक्वेशन इज डिफाइंड। ओके, इट टेक्स अ इन्फिनिटी वैल्यू, इज इन अदर वर्ड फाइनल सॉल्यूशन ऑब्टेन व्हाइल सॉल्विंग एन इक्वेशन मस्ट सेटिस्फाई द डोमेन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द पेरेंट इक्वेशन। दैट मीन्स कि अगर मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल लूँ, जैसे कि मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू है रूट अंडर एक्स। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिंपल सी एग्जाम्पल है कि ये कौन सी इसमें वैल्यू आ सकती है ना। मैं जानता हूँ रूट एक्स का वैल्यू जो है, अगर आप फाइंड करोगे तो इसका जो डोमेन होगा, इसमें कोई हम निगेटिव वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ना, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू पुट कर सकते हैं। दैट मीन्स इसका जो डोमेन होगा एक्स इज वैलिड फ्रॉम जीरो, जीरो क्लोज इंटरवल जीरो दे सकते हैं और टू इन्फिनिटी, बट नो एनी निगेटिव वैल्यू। ओके, अगर मैं इसके मैं अगर रेंज की बात करूँ, ठीक है, मैं ये रेंज की बात करूँ, ठीक है, ये हुआ डोमेन। अगर मैं रेंज की बात करूँ तो अगर मान लीजिए ये 4 है तो 4 का 2 ही आ सकता है, या तो इसका जो रेंज होगा, देखिए रेंज के, अगर मान लीजिए आप इसमें 2 रखते हो, 2 का क्या आएगा, रूट 2, ठीक है ना। अगर इसमें 4 रखते हो तो 4 का क्या क्या आ जाएगा, -2 और 2, है ना। तो रेंज इसका आ जाएगा रूट अंडर एक्स। ओके, तो रेंज इसका आ जाएगा ऑल रियल वैल्यू। ओके, तो देखते हैं, आगे चलते हैं, मैं और भी चीज़ बताऊँगा, लेकिन उससे पहले ध्यान रखना चाहिए कि देखिए ये कुछ दैट मीन्स कि ये कुछ मेथड है, जिससे मेथड तो नहीं कर सकते, दैट मीन्स कि ये कुछ एक्स्ट्रा फीचर है, दैट मीन्स पॉइंट्स है, जिसको आपको याद रखना चाहिए, ये भी केस हो सकता है, ठीक है, पॉइंट्स है। तो देखिए एक्स्ट्रानियस रूट्स क्या होता है, एक्स्ट्रानियस रूट्स दैट मीन्स को अगर कोई इक्वेशन में सॉल्व करने के दौरान उसका कोई और जो है रूट्स आ जाता है, ठीक है ना, पहले तो मुझे देखना पड़ेगा वो रूट्स जो है उस इक्वेशन में सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। ठीक है, देखिए व्हाइल सॉल्विंग द इक्वेशन द डोमेन ऑफ द इक्वेशंस मे एक्सटेंड गिव द एक्स्ट्रानियस रूट्स। ठीक है, अगर एग्जाम्पल के लिए देखो तो रूट अंडर एक्स इक्वल टू है एक्स माइनस टू। ओके, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या करोगे, रूट अंडर एक्स स्क्वायर कर दो, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, है ना। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यह आएगा एक्स इक्वल टू वन और फोर आएगा, है ना। जब एक्स इक्वल टू वन और फोर आया तो आप इसमें देखोगे कि फोर तो सेटिस्फाई हो रही है, फोर इक्वेशन में सेटिस्फाई है। जब आप वन दिए तो क्या हो गया, वन माइनस टू, यानी कि यहाँ आ जाएगा वन और यहाँ आ जाएगा, है ना, माइनस वन, ये सेटिस्फाई नहीं हुआ। दैट मीन्स वन जो है इसका एक्स इक्वल टू वन, ये एक एक्स्ट्रानियस रूट जो किया एक्स्ट्रानियस रूट्स, ठीक है ना, क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। देखिए क्यों ये आ गया रूट्स, मैं ये बताना चाह रहा हूँ क्यों आ गया, क्योंकि हम लोग जब स्क्वायर किए ना तो इसका डोमेन इंक्रीज हो गया। देखो व्हाइल स्क्वायरिंग द इक्वेशन डोमेन एक्सटेंड्स टू आर विच गिव्स एक्स्ट्रा रूट्स एक्स इक्वल टू वन, ठीक है। उसी तरह से लॉस ऑफ रूट्स भी होता है, जिस तरह से स्क्वायर करने से हम लोग को एक्स्ट्रा रूट्स मिलते हैं, उसी तरह से अगर मैं
बात करूँ तो लॉस ऑफ रूट्स भी होता है, ठीक है, कैसे वो भी बताना चाहता हूँ, ठीक है। सर इसका जो रूट्स, इसका जो रेंज होगा, रेंज भी क्या होगा, एफ एक्स का रेंज जो होगा वो भी 0 से ∞ ही रहेगा, ठीक है। चलिए लॉस ऑफ रूट्स क्या होगा, लॉस ऑफ रूट्स देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये इक्वेशन, ये सॉल्व करना मैं चाहता हूँ, ठीक है। अब देखिए एक्स एक्स माइनस टू बराबर एक्स माइनस टू, ठीक है, एक्स इक्वल टू वन है ना, तो इसमें एक्स इक्वल टू वन कैसे आ गया, जब आप एक्स इक्वल टू टू एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू कैंसिल कर दोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू वन आ जाएगा। लेकिन ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दैट मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर आप इसको सॉल्व करो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो है ना, ये इक्वेशन आ गया। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका तो टू रूट्स होना चाहिए है ना, टू रूट्स होना चाहिए, बट मुझे एक ही रूट मिला, क्यों, क्योंकि एक रूट का लॉस हो गया, क्यों लॉस हो गया, कैंसिलेशन की वजह से, वी हैव कैंसिल फैक्टर एक्स माइनस टू विच कॉज द लॉस ऑफ रूट्स एक्स इक्वल टू टू, ठीक है। करेक्ट वे ऑफ सॉल्विंग ये है, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं जिसका कि रूट्स आ गए एक्स इक्वल टू वन और एक्स इक्वल टू टू, ओके। देखिए अब चलिए कुछ एग्जाम्पल पर हम लोग चलते हैं ताकि इसको सॉल्व कर सकें। देखिए इसका फाइंड करना है सॉल्व इतना इक्वल टू जो जीरो, ठीक है, दैट मीन्स कि इसका जो है मुझे डोमेन फाइंड करना है ना, डोमेन फाइंड करना है, सॉल्व फॉर डोमेन, ठीक है ना, सॉल्व फॉर डोमेन, ओके, डोमेन फाइंड करना है। तो अब देखिए ये इक्वेशन, अगर मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू मैं कंसीडर कर लूँ एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री बाय एक्स प्लस वन, तो इस ये एफ एक्स कब इनवैलिड हो जाएगा आप बताओ, अगर मैं एक्स इक्वल टू माइनस वन रखता हूँ तो ये एफ एक्स इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि अगर माइनस वन रखा नीचे जीरो हो जाएगा, ये इनवैलिड हो जाएगा। देखिए एक्स इक्वल टू माइनस वन हम लोग नहीं ले सकते हैं, और कोई भी वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं, है ना, तो इसका जो रूट, इसका जो डोमेन आ जाएगा, सॉरी डोमेन जो आ जाएगा है ना, वो आ जाएगा क्या आ जाएगा, एक्स का वैल्यू हम रख सकते हैं कहाँ से कहाँ तक, कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, बट माइनस वन नहीं रख सकते है ना, तो इसका क्या हो गया, रूट्स हो गया। अब देखो अगर मैं दूसरे एग्जांपल को बात करूँ, दूसरे एग्जांपल में है सॉल्व, ठीक है, अगर मैं एफ एक्स इक्वल टू कंसीडर कर लूँ एक्स क्यू माइनस फोर एक्स, ठीक है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, ओके। तो देखो मैं जानता हूँ कि रूट्स के अंदर जो होती है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है ना, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन वन, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन वन कब आएगा बोलो, जब एक्स का वैल्यू जो है, जब एक्स का वैल्यू जो है माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन तक लाइक करेगा है ना, माइनस वन तक, यूनियन वन टू इन्फिनिटी तक है ना, तो ये हो जाएगी एक्स का वैल्यू है ना, तो ये इसका क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा, ये इसका डोमेन हो जाएगा, ओके। तो चलिए हम लोग अब आगे चलते हैं और हम लोग यहाँ देखने का कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो इसमें जो है, इसमें भी डोमेन निकालना है मुझे, इसमें भी डोमेन निकालना है, आप चाहो तो इसमें एक्स का वैल्यू भी पुट कर सकते, एक्स का वैल्यू भी निकाल सकते हो, एक्स का वैल्यू भी निकाल सकते हो है ना। चलिए सॉल्व फॉर डोमेन एंड फाइंड एक्स, ठीक है, एक्स का वैल्यू भी निकाल सकते हो, जैसे कि मान लो ये तो मैं इधर कर दूंगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, अगर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, तो ये हो जाएगी एक्स इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस वन एक्स माइनस थ्री, तो इसका जो हो जाएगा सोल्यूशन एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, ओके। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस वन एंड x इक्वल टू थ्री। अब देखो ये कौन सी लाइक कर रहा है ना, माइनस वन तो कभी हो नहीं सकता क्योंकि ये पहले ही नेगलेक्ट कर दे रहा है, इसीलिए x इक्वल टू जो इसका फाइंड होगा वैल्यू होगा x इक्वल टू थ्री इसका आंसर होगा, ठीक है। इस तरह से आप अगर दूसरा सवाल को सॉल्व करना चाहो तो ये भी आराम से हो सकता है ना, इतना इक्वल टू जीरो है, इतना इक्वल टू जीरो है, ओके, यानी कि ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा, यानी एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स बराबर जीरो लिख सकते हैं, या तो आप रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो रख सकते हो। ये जीरो कब होगा, ये जीरो होगा एक्स एक्स स्क्वायर माइनस फोर इक्वल टू जीरो है ना, ये हो जाएगा अगर आप स्क्वायर करते हो है ना, तो एक्स स्क्वायर बराबर वन,
यानी एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वन आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा एक्स इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल टू प्लस माइनस टू। तो एक्स का जो वैल्यू होगा जीरो तो कदापि हो नहीं सकता, क्योंकि इस इंटरवल में जीरो लाई नहीं कर रहा है ना। इस इंटरवल में क्यों जीरो नहीं कर रहा है, क्योंकि माइनस वन से जितना भी छोटा है ये वन है, ये माइनस वन है ये वन है, तो इससे जितना भी छोटा है इधर है और इससे जितना भी बड़ा है ये इधर है ना। तो एक्स का जो वैल्यू आ जाएगा यहाँ प्लस माइनस वन और प्लस माइनस टू इसका वैल्यू आ जाएगा। ओके ये आंसर हो जाएगा। अगर डोमेन की बात करें तो ये इसका डोमेन हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा डोमेन हो जाएगा। ओके चलिए अब मैं स्टार्ट कर, ये जो है मैं चाहूँगा कि आप ये जो 1.66 है आप इसको बनाइए, अगर नहीं बनेगा तो मैं ज़रूर इसको फिर से डिस्कस करूँगा। ठीक है, मैं आपसे चाहता हूँ कि आप सॉल्व करें एंड इसका डोमेन एंड फाइंड, डोमेन भी निकालें, डोमेन फाइंड एंड आल्सो फाइंड फॉर आल्सो फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, प्लीज़ कमेंट करिए इसका आंसर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जो कि नीचे लिंक दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कीजिए, आप में आपको बहुत सारा उसमें स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।